ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनका काम बोलता है। जरूरी नहीं उनके पास एक अच्छी शक्ल हो या एक अच्छा फिगर हो, बल्कि कई ऐसे अदाकार हैं जो बॉलीवुड में अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। और इसी लिस्ट में एक नाम आता है गुड्डी मारुति का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे गुड्डी मारुति के बारे में, जो कि अब फिल्मी दुनिया से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। कहीं भी उनका नाम नहीं आता, कहीं भी उन्हें लोग देख नहीं पाते हैं। तो आजकल वो कहाँ हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी जी रही हैं, और जब वो बॉलीवुड में थी तो उन्हें कितने ज़्यादा दुख झेलने पड़े, उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, बस इन्हीं सब की जानकारी आज हम आपको अपने स्पेशल प्रोग्राम में देने वाले हैं। बता दें आपको कि बहुत ही छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। चलिए एक पूरी नजर डालते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कई लोगों का नाम उनकी काम की वजह से होता है, उनकी काम की वजह से उनके नाम का बोलबाला हो जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास जीरो साइज फिगर है या नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आपकी फिगर कितनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आज जिस पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और हर कोई इनकी कॉमेडी के अंदाज से आज भी इन्हें पहचान लेता है। जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं गुड्डी मारुति के बारे में। ये वही गुड्डी मारुति हैं जिन्होंने गोविंदा के साथ आकर अपनी कई फिल्मों के जरिए अपने फैंस को और दर्शकों को हंसाने का काम किया है। चलिए आज एक नजर डालते हैं इनकी पूरी जिंदगी के ऊपर, क्या कुछ इन्हें अपनी जिंदगी में देखना पड़ा। गुड्डी मारुति, जिनका जन्म हुआ 4 अप्रैल 1959 को, गुड्डी के पिता एक डायरेक्टर थे और उनकी खुद की मां भी एक कमाल की अभिनेत्री थी। जी हाँ, आपको बताने जा रहे हैं गुड्डी की पूरी कहानी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही गुड्डी ने अपने काम की शुरुआत कर दी थी। एक बार वो अपने पिता के साथ एक फिल्म की डायरेक्शन देखने गई थी, जहां पर, बता दें आपको, शूटिंग देखने गई थी जहां पर एक फिल्म बन रही थी, जहां से जिसमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि गुड्डी का जो नाम है, ये घर का नाम था गुड्डी, उनका असली नाम ताहिरा था। जी हाँ, उनका असली नाम ताहिरा था और ताहिरा अपने पिता के साथ एक बार शूटिंग देखने गई थी जहां पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। तो वहीं पर ताहिरा को एक रोल दे दिया, क्योंकि उनके घर का नाम गुड्डी था और इसीलिए उन्हें इस फिल्म में भी क्रेडिट गुड्डी के नाम से ही दिया गया, जिसकी वजह से उनका नाम गुड्डी पड़ गया। और उनके, बता दें आपको कि उनका नाम भी बदलना था, जिस वजह से उनका नाम चेंज कर दिया, और गुड्डी एक अच्छा नाम था इसीलिए इनका नाम गुड्डी रख दिया और गुड्डी मारुति इनका नाम पड़ गया। उसके बाद 14 साल की उम्र में अपने पहले गाने मोटी करके एक गाना आया था उस समय, उसमें प्रीति गांगुली काम करने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रीति गांगुली ने अपना वजन कम कर लिया था, जिसकी वजह से वो इस गाने के लिए फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए गुड्डी मारुति को बुलाया गया और गुड्डी मारुति ने इस गाने में काम किया। क्योंकि इनके पिता का निधन बहुत कम उम्र में ही हो गया था, लेकिन घर को तो चलाना था, घर की चीजें तो मेंटेन करनी थी, इसीलिए बहुत कम उम्र में ही गुड्डी ने काम करना शुरू कर दिया।
और एक के बाद एक उन्होंने हिट फिल्में दी। ये कभी भी मेन लीड में तो नजर नहीं आई, लेकिन हमेशा सपोर्टिंग रोल में इनका काम सराहा गया। बताना चाहेंगे आपको कि गुड्डी का जब मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें मोटी कहा जाता था, तब एक बार इन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से भी की थी। तो इनके पिताजी ने ये इन्हें सलाह दी थी कि तुम कोई अभिनेत्री नहीं हो, तुम एक कॉमेडियन हो। जब तक तुम मजाक को अपने ऊपर नहीं लेना सीखोगी, तब तक तुम्हारी कला निखर कर सामने नहीं आएगी। और मानिए, यही बात गुड्डी के जहन में बैठ गई। उसके बाद से गुड्डी ने कई ऐसी फिल्में दी जिसमें इनका काम देखा गया और इनको इनकी काम की वजह से बॉलीवुड में जाना जाने लगा। क्योंकि पिता एक डायरेक्टर थे, बॉलीवुड में अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए गुड्डी को कभी अपने जीवन में काम की तो कमी नहीं हुई, लेकिन मोटापे की वजह से गुड्डी ने अपने जीवन में कई तरह की दुख देखे। तो वहीं जब पिता का कम उम्र में ही निधन हो गया और कम उम्र में ही गुड्डी ने काम करना शुरू कर दिया, तो गुड्डी को भी उस समय काफी कुछ सहना पड़ा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस गुड्डी मारुति, जिन्हें लोग उनकी कॉमेडी के लिए जानते हैं, उनकी फिल्म खिलाड़ी हो, चमत्कार हो, आशिक अवारा, शोला और शबनम, बीवी नंबर वन में अपनी बेहतरीन कॉमेडी का जलवा बिखेर चुकी हैं। जी हाँ, और अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज के समय में गुड्डी बिल्कुल बदल गई है। जो भारी भरकम गुड्डी हुआ करती थी, वो आजकल कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई देती हैं। बताना चाहेंगे आप लोगों को यहाँ पर कि गुड्डी, जिन्होंने बीच में बॉलीवुड इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था, वो साल 2015 में एक बार फिर से लौटी, लेकिन इस बार वो टीवी सीरियल्स में नजर आने लगी। उन्होंने टीवी सीरियल्स करने शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि गुड्डी का मन टीवी सीरियल्स करने में नहीं लगा। उनको जितना मजा बॉलीवुड में आता था, उन्हें टीवी में नहीं मजा आया। लेकिन अब ये टीवी सीरियल्स में कई छोटे मोटे रोल करती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिल्मों से कॉमेडियन गुड्डी गायब हो गई हैं और इनके कई फैंस हैं जो आज भी इनकी कॉमेडी देखने के लिए बेताब रहते हैं। मोटी होने के कारण गुड्डी को टुनटुन की भी उपाधि दी गई थी, लेकिन अब गुड्डी ने अपने आप को काफी अच्छा मेंटेन कर लिया है। पिता के निधन के बाद अपने करियर की शुरुआत कर दी उन्होंने, और याद रखी तो सिर्फ अपने पिता की कही वो बात कि जब तक तुम खुद पर नहीं हंसोगी, तब तक तुम एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में उभर कर नहीं आ पाओगी। और देखिए, हुआ भी यही। जब उन्होंने इस चीज को मान लिया कि उनका मोटापा ही उनकी कमाई का जरिया है, तो बॉलीवुड में एक के बाद एक उन्होंने ऐसी शानदार बेहतरीन फिल्में दी जो आज भी लोगों को याद हैं। भले ही उन्होंने मेन लीड में कभी काम ना किया हो, लेकिन कई फिल्मों में वो एक बेहतरीन फ्रेंड, बेहतरीन बहन और बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस के रूप में वो निखर कर आई हैं। बेशक वो अभी 2-3 सालों से फिल्मी दुनिया से अलग है। साल 2017 में वो हमें एक टीवी सीरियल में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो फिल्मी दुनिया से गायब हैं और आज वो जहां भी हैं बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रही हैं और सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही। तो वहीं उनके लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।